नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कोश। स्वास्थ्य के लिए किशमिश के फायदे तो लगभग कई लोगों को पता है, वहीं अगर इसी किशमिश में शहद जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ को मिला दिया जाए तो इसके लाभ दोगुने हो सकते हैं। इसीलिए आज हम न सिर्फ किशमिश के फायदे आपको बताएंगे, बल्कि आज हम आपको किशमिश के साथ शहद मिलाकर खाने के फायदे भी बताएंगे। वहीं स्वास्थ्य लाभ के लिए शहद और किशमिश खाने का तरीका भी आपको आज हम बताने वाले हैं। साथ ही हम किशमिश और शहद के ज्यादा सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं शहद और किशमिश के फायदे। वजन बढ़ाने के लिए, अगर बढ़ता वजन चिंता का विषय है तो कम वजन होना भी समस्या हो सकती है। वजन बढ़ाने के लिए शहद और किशमिश खाने के फायदे देखे जा सकते हैं। एक वैज्ञानिक रिसर्च की माने तो शहद वाली डाइट से बच्चों का वजन बढ़ने की बात सामने आई है। इसके अलावा शहद को वजन बढ़ाने वाली डाइट लिस्ट में भी शामिल किया गया है। साथ ही इसमें फ्रुक्टोज होते हैं जो वजन बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इस आधार पर माना यह जा सकता है कि इसका सेवन वजन को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। कब्ज से राहत दिलाने के लिए किशमिश शहद खाने के फायदे देखे जा सकते हैं। दरअसल किशमिश में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो कब्ज की परेशानी में उपयोगी हो सकता है। वहीं शहद को भी कब्ज के लिए लाभकारी माना गया है। दरअसल एक रिसर्च के मुताबिक शहद आंतों में हानिकारक बैक्टीरिया को कम कर कब्ज की समस्या से राहत दिलाने का काम कर सकता है। इसके साथ ही आयुर्वेद के अनुसार शहद पाचन क्रिया में सुधार करने में भी सहायक हो सकता है। इस आधार पर माना यह जा सकता है कि अगर शहद और किशमिश का एक साथ सेवन किया जाए तो कब्ज की समस्या में सुधार होने के साथ साथ पाचन क्रिया भी बेहतर हो सकती है। प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए, शहद और किशमिश के फायदे प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए भी देखे जा सकते हैं। दरअसल किशमिश में ट्राइटरपेनॉइड्स नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि केमिकल कंपाउंड होता है। इस कंपाउंड में इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव होता है। इस प्रभाव को इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। साथ ही इसमें एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो बीमारियों से बचाव में सहायक हो सकते हैं। आयुर्वेद में भी किशमिश को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ की लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ शहद को भी इम्यून बूस्टर खाद्य पदार्थ माना जाता है। दरअसल इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। साथ ही इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड में एंटी कैंसर गुण मौजूद होते हैं जो कैंसर के जोखिम को कम कर सकते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के घरेलू उपाय में शहद और किशमिश उपयोगी माना जा सकता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, किशमिश शहद खाने के फायदे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज पर भी नजर आ सकते हैं। इससे जुड़ी एक मेडिकल रिसर्च की माने तो किशमिश में पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस पर हुए एक रिसर्च के मुताबिक 12 हफ्तों तक एक दिन में 3 बार किशमिश के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में कमी देखी गई है। इसके अलावा शहद में केवसेटीन पाया जाता है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में कुछ हद तक सहायता कर सकता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इन दोनों खाद्य पदार्थों की मदद से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं अगर कोई ब्लड प्रेशर की दवा का सेवन कर रहा हो तो बेहतर है इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। एनीमिया, खून की कमी की समस्या में भी शहद और किशमिश के फायदे देखे जा सकते हैं। दरअसल शरीर में आयरन की कमी भी एनीमिया की समस्या के कारणों में से एक है। ऐसे में आयरन वाले खाद्य पदार्थ के सेवन से इस समस्या से बचा जा सकता है। इन खाद्य पदार्थों में किशमिश भी शामिल है जो शरीर में आयरन की पूर्ति कर सकती है। साथ ही शहद में आयरन होने के साथ साथ कॉपर और मैग्नीशियम भी मौजूद होते हैं जो शरीर में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। आपको बता दें कि शरीर में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो सकता है जो एनीमिया का कारण भी बन सकता है। एनीमिया के लिए डाइट चार्ट में किशमिश और शहद को शामिल किया जा सकता है। एनर्जी के लिए, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भी शहद और किशमिश खाने के फायदे हो सकते हैं।
एक रिसर्च के मुताबिक शहद में मौजूद फ्रुक्टोज धीरे धीरे रक्त में प्रवेश कर शरीर को निरंतर ऊर्जा देने का काम कर सकता है। इसके साथ ही शहद कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, जिस कारण ये एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी हो सकता है। आपको बता दें कि शरीर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है और यही ग्लूकोज शरीर को एनर्जी प्रदान कर सकता है। वहीं दूसरे रिसर्च के अनुसार किशमिश को सालों से इसके एनर्जेटिक स्नैक्स के रूप में जाना जाता है, जो शरीर को अधिक समय तक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक हो सकता है। ऐसा इसमें मौजूद पोषक तत्वों के कारण मान सकते हैं। इसके अलावा खेलकूद के दौरान भी किशमिश का सेवन लगातार शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में उपयोगी पाया गया है। ऐसे में शरीर को ज्यादा एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए शहद और किशमिश का सेवन एक साथ करना लाभकारी हो सकता है। शहद किशमिश की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, जिससे सेहत को लाभ मिल सकता है। किशमिश और शहद का उपयोग। किशमिश और शहद को साथ में मिलाकर कई तरह से सेवन किया जा सकता है। जैसे किशमिश को शहद में मिलाकर सुबह नाश्ते के साथ सेवन कर सकते हैं। किशमिश और शहद को केक में इस्तेमाल कर दोपहर या शाम को खा सकते हैं। सुबह नाश्ते में शहद और किशमिश को ओटमील में खा सकते हैं। कुछ किशमिश चबाने के बाद शहद का सेवन कर सकते हैं। वैसे तो एक दिन में किशमिश को 80 से 90 ग्राम यानी लगभग आधा कप तक लेने की सलाह दी जाती है। हालांकि जब इसके साथ शहद लेने की बात आती है, तो बेहतर सुझाव के लिए डाइटिशियन की मदद लेना सही होगा। जिस तरह शहद किशमिश खाने के फायदे होते हैं, उसी तरह इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। किशमिश और शहद के नुकसान एलर्जी के रूप में दिखाई दे सकते हैं। दरअसल किशमिश के सेवन से मुंह में खुजली या मतली जैसी समस्या हो सकती है। वहीं शहद अचानक होने वाली एलर्जी का कारण बन सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही इस बात की जानकारी दी है कि शहद वजन बढ़ाने में सहायक हो सकता है, ऐसे में इसके अधिक सेवन से वजन बढ़ने का खतरा भी हो सकता है। वहीं किशमिश में फ्रुक्टोज होता है। आपको बता दें कि फ्रुक्टोज फलों में पाया जाने वाला शुगर होता है और इसके अधिक सेवन से वजन बढ़ने का जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि इस विषय में अभी और रिसर्च की आवश्यकता है, लेकिन बेहतर है इसका सेवन सीमित मात्रा में किया जाए। शहद के ज्यादा सेवन से फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। इससे बोटुलिज्म हो सकता है, जो कि खासतौर पर बच्चों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में एक साल से कम उम्र के बच्चों को शहद ना दें, वहीं एक साल से बड़ी उम्र के बच्चों को शहद देने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर लें। किशमिश का सेवन दस्त का कारण बन सकता है। इसके अलावा किशमिश में फाइबर मौजूद होता है, जिसका ज्यादा सेवन पेट फूलने या गैस जैसी समस्या का कारण बन सकता है। वहीं शहद लैक्सेटिव प्रभाव डाल सकता है, जिससे पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसी ही कई अन्य जानकारी वाले वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।